आज हम लोग ना जो कृषि करंट अफेयर्स का चैप्टर है, मतलब राजस्थान का ही, वो हम देखेंगे और वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे करंट अफेयर जो भी है वो राजस्थान का है, ये भी ध्यान रखना है। और ये राजस्थान में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जितनी भी चीजें हुई हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। वो देखो क्या होता है कि करंट अफेयर्स में जैसे करंट अगर बात करेंगे तो तीन तीन बातें हैं जो हमें मेन समझनी है। वैसे तो जैसे होता है स्टैटिक डेटा, वो हमें समझना है। स्टैटिक डेटा का मतलब जो भारत सरकार समय समय पर जारी करती है, और बाकी है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है वो हमें समझना है। उसके बाद बजट में क्या है वो समझना है, ठीक है। और ये यही जो है यूपीएससी में होता है, यही इसमें होता है। और मतलब यही सच में करंट अफेयर्स तो यही है, खासकर अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तीन तीन चीजें होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर है ना, और इसमें इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था है, और ये जो दो चीजें हैं ना, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, ये दोनों का करंट अफेयर्स हमें एक ही जगह से मिलता है ना। एक तो होता है स्टैटिक डेटा। स्टैटिक डेटा का मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे तो भारत सरकार की वेबसाइट्स हैं उन पे हमें मिलता है ना स्टैटिक डेटा में। जैसे इस बार अभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि जो वनवासियों को यानी आदिवासियों को जो फॉरेस्ट में राइट दिए गए हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में दिए गए, है ना। तो उसमें फॉरेस्ट मिनिस्ट्री थी, है ना, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री थी और ट्राइबल मिनिस्ट्री थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो क्वेश्चन स्टैटिक डेटा में होते हैं, वो गवर्नमेंट साइट पे हमें मिल जाते हैं। मतलब तो बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन, वो इस बार पूछा यूपीएससी में। मतलब जो भारतीय जनजातियां हैं उनको किसान उनको वनों पर अधिकार दिए गए हैं तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उस वो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन, दूसरा है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे देखो होता क्या है, जो हम लोग मार्केट में करंट अफेयर्स देखते हैं वो क्या होता है, सबका निचोड़ होता है। लेकिन जैसे है ना कि अगर लोग बोलते हैं कि भाई जो मेन चीज है उसी को ना हम देखें, मेन चीज का मतलब है कि सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं, ठीक है। तो हम क्यों ना हम सीधे फोकस यहीं पे करें। तो सीधे यहाँ पर फोकस का मतलब ये है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट। तो जो भी हम एग्रीकल्चर में करने वाले हैं वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। और कुछ स्टैटिक डेटा है। स्टैटिक डेटा का मतलब जैसे जो मैंने बताया बहुत, वो 10% होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो देख लीजिए, मतलब आप ये समझिए कि स्टैटिक डेटा और इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आपके दो करंट अफेयर्स क्लियर होते हैं। आगे के लिए भी समझ लीजिए, चाहे आप यूपी दें या यूपी आरपीएससी दें या फिर यूपीएससी, जो भी एग्जाम होगा तो यहीं से चीजें निकल के आती हैं। देखो क्या होता है कि जब हम बार बार ये बात बोलते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे या बजट, ये सब चीजें बार बार बोलते हैं, तो इसका मतलब ये भारत सरकार की है, ठीक है, और भारत सरकार के राज्य सरकार की, तो हमारे अंदर एक रेस्पेक्ट जनरेट होता है उनके लिए, तो चीजें याद रहती हैं। यही चीजें मान लीजिए कोई मैगजीन में पढ़े, जैसे क्रॉनिकल मैगजीन में अगर पढ़ लें हम, तो उनका दिमाग रहेगा यार क्रॉनिकल में पढ़ी, पता नहीं इनका सही डेटा होगा भी कि नहीं होगा। वहीं अगर आपको कोई बता दे कि नहीं ये इकोनॉमिक सर्विस हमने लिया है, तो आपके अंदर एक अलग सा रेस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे वहां से लेने की जरूरत भी है। चलिए सीधे सीधे देखते हैं कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है और काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहली बात है इसमें है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन। जैसे देखो क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट ये होता है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक वर्ड होता है जीडीपी, है ना, जीडीपी।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें अक्सर पूछा जाता है एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। जैसे अभी एग्रीकल्चर का शायद 72% कुछ है, 72% कुछ है, तो जीडीपी में से एग्रीकल्चर को पूछा जाता है और वो पूछते हैं एग्रीकल्चर एक कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर का कहते हैं एक बात है, दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर का है, इंडस्ट्री का कह सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव सेक्टर का है सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर की बात है या फिर टर्सरी सेक्टर की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें नहीं जाना, हमें समझना है इसके बारे में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान, तो राजस्थान का सकल घरेलू राज्य उत्पाद है क्या है, सकल क्रॉस सकल घरेलू है, घरेलू मतलब जी डी सकल घरेलू राज्य यानी राज्य स्टेट और उत्पाद, ठीक है, मेरी बात आप समझ लोगे इसके कंपेयर हमने किया, इसमें है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें डेटा पे हमें इस डेटा को नहीं समझना है, बस हमने बता दिया जिस तरह से भारत सरकार जीडीपी सेक्टर का देखते हैं उसी तरह से सकल राज्य उत्पाद यानी जीपीएसपी, हम सीधे सीधे जीपीएसपी को समझ में नहीं आता है, इसमें जो है सकल घरेलू राज्य उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो वो है 26.80%, 26.80%, ठीक है। सौरभ ने ज्वाइन कर दिया है, देखो अभी जो हमने बात की है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर उसकी पार्ट की है, तो भी बात कर रहे हैं सर्वे और बजट पर, उसी से हमने सारी चीजें बनाए हैं जिस तरह से जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस की बात करते हैं, उसी तरह से हम लोग स्टेट में भी सकल घरेलू राज्य उत्पाद की बात करते हैं, यानी जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। जैसे शायद अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, शायद 17% होगा जहां तक है, 17 या 16.5 ऐसा कुछ होगा, इस डेटा को याद रखना चाहे तो रखें, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है 26.8%। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राजस्थान में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 10% से भी कम है या आधे से अधिक है, तो ना तो 10% से कम है और ना ही आधे से अधिक है। आप लोग देखो 10% से कम तो आप सोच सकते हो कि हाँ हो सकता है कि भाई राजस्थान का जब भी हम जहन में लाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो डेजर्ट ही है, कृषि हो नहीं रही है, लेकिन 50% तो नहीं, तो एक अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा तो बनाएगा कि आधे से अधिक का योगदान कृषि का है ना, या 10% कृषि का है, तो दोनों गलत होंगे, 26.80% है, ठीक है, स्थिर मूल्य पर है ना, और जो अनस्टेबल मूल्य है उनमें है 29, वो पूछेगा नहीं, ये स्थिर मूल्यों पर है, स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है एवरेज, ठीक है, और जो प्रचलित मूल्य होते हैं जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें 29% कुछ है, ठीक है, 29% प्रचलित मूल्य पर, तो वैसे ये पूछेगा नहीं, फिर भी जान लीजिए कि जो स्टेबल मूल्य है, ठीक है, स्टेबल जैसे मान लीजिए कि जो भारत सरकार निश्चित करती है उनकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कभी मान लीजिए जो अरहर की दाल है वो 120 हो गई, कभी 80 रुपए किलो हो गई, तो हम वो एवरेज मान के चलते हैं, तो अगर प्रचलित मूल्य कभी आए तो 29% है और वो 26 है, वैसे ये आपको याद रखना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि समझाना भी जरूरी था, क्योंकि ये अगर सीधे लिख देते हैं सकल घरेलू राज्य उत्पाद। अब देखते हैं इसमें जो कृषि में कृषि जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर के जो सब पार्ट है, ठीक है, सब पार्ट, सब पार्ट का मतलब होता है जो उसके मतलब सहयोगी है। अब देखो हमने क्या बोला कि कृषि में
मधुमक्खी पालन भी आता है, कृषि में फिशिंग भी आता है, कृषि में एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, और कृषि में फार्मिंग भी आता है। जो इंसान गेहूं उत्पादन कर रहा है वो भी किसान है ना, और जो मछली पकड़ रहा है वो भी किसान है। अभी अभी भारत सरकार ने शायद 2012 में या 8 में मान लिया है कि जो मछुआरे हैं उनको भी केसीसी दिया गया है। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना जान, और ये मैं आपको पूरे भारत के बारे में ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो योगदान है वो है फार्मिंग का। फार्मिंग है ना, फार्मिंग मतलब फसल उत्पादन, और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री है ना, हस्बेंड एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशु, ये है फसल उत्पादन, ये है पशुपालन, और तीसरा नंबर है फॉरेस्टिंग है ना, फॉरेस्टिंग एग्रो फॉरेस्टिंग कह सकते हैं, एग्रो फॉरेस्टिंग। और उसके बाद है फिशिंग का है ना, तो फिशिंग का ये है, तो चार सेक्टर हैं। देखो जो राजस्थान है वो एग्रीकल्चर को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है वहां पे, उसका रीजन है कि या तो वहां टूरिज्म है और या फिर वहां पर नेचर है ना, या तो वहां टूरिज्म है और यहाँ ये तो वहां या तो वहां पर नेचर है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सबसे कम स्किल चाहिए होती है ना, सबसे कम स्किल, और वो इसलिए इनके जो बढ़ावा देना चाह रहे हैं बोले। ठीक है, तो आई थिंक दो ही बातें हमने बताई अभी कि इस राजस्थान के राज्य सकल उत्पाद में कृषि का योगदान 26.80% है, और कृषि में भी सबसे ज्यादा योगदान फार्मिंग का है, चाहे तो लिख सकते हैं 48% है ना, 48%। तो फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रो फॉरेस्ट्री और फिशिंग, तो फिशिंग का आप जानते ही ज्यादा होगा, मतलब सबसे कम होगा। ठीक है, इसको मिटा दें, कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है सौरभ, समझ में आ रहा है? यस सर, हाँ, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट नोट करते जाना और समझते जाना फास्ट, कि वो क्वेश्चन जो बड़ा वाला बनाएगा वो गलत नहीं होना चाहिए, छोटे वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है इसमें देखो और एक है भूमि जोत है ना, भूमि जोत। अच्छा भूमि जोत का मतलब क्या होता है ना, लैंड, भूमि जोत का मतलब क्या होता है? देखो दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लेना आप लोग, कि भूमि भूमि जोत का मतलब है कि हमारे नाम पर, जैसे मान ले हम दो भाई हैं, ठीक है, तो दो भाई के नाम पर कितनी जमीन है, ठीक है, वो कहते हैं भूमि जोत। जैसे मान लीजिए कि ये परिवार है, मैंने ज्योग्राफी के समझाया था, एक परिवार है उसके दो बेटे हैं, ठीक है, तो ये भूमि जोत हो गई, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, भूमि जोत हो गई। दूसरा, इन दोनों लोगों के दो दो कुल बच्चे हो गए, ठीक है, तो भूमि का जो आकार है, ठीक है, भूमि का जो आकार है वो तो कम हुआ है, ध्यान समझना, लेकिन भूमि भूमि जोतों की जो संख्या है वो बड़ी है, ठीक है, भूमि, अब पहले भूमि जोत इतनी बड़ी थी, अब ये इतनी रह गई, ठीक है, उसके बाद इनके बच्चे हुए, फिर इनके बच्चे हुए, फिर इनके बच्चे हुए, फिर इनके बच्चे हुए, यानी क्या हुआ, समय के साथ साथ जो भूमि जोत है, जो लैंड साइज है, वो कम होता है और नंबर ऑफ लैंड बढ़ जाता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन दे कि पिछले 2015-16 के या 2010-11 के तुलना में राजस्थान में भूमि जोतों की संख्या में कमी आई है, ध्यान देखना, राजस्थान में 2011-12 की तुलना में भूमि जोतों की संख्या में कमी आई है, तो गलत होगा, क्योंकि 2010-11 से जनसंख्या बड़ी होगी, लोगों में बंटवारा हुआ होगा, तो भूमि की संख्या तो बड़ी होगी लेकिन भूमि की जोत का आकार कम हुआ होगा,
बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि आकार कम होता है और संख्या बढ़ती है। और पूरे मुझे लगता है भारत में, राजस्थान में नहीं, पूरे देश में यही है, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यूपी है और पंजाब है, तो आपसे पूछा जाए कि इन राज्यों में भूमि की जोत का आकार सबसे ज्यादा कहाँ होगा, मैंने क्या क्या ऑप्शन दिए, पंजाब, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा भूमि का जो आकार है वो कहाँ होगा, आकार बड़ा कहाँ पर होगा, देखो मैं समझा रहा हूं आपको, जैसे आकार का मतलब क्या है, जैसे यूपी में लोग बढ़ रहे हैं, जमीन तो नहीं बढ़ रही है, यूपी में लोग बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रही है, इस तरह से जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर भूमि आकार जो कम होगा, और जहां जनसंख्या कम है वहां जो आकार ज्यादा है। आप नॉर्मली प्रैक्टिकली देखता भी होगा कि जो पंजाब में वो खेत बड़े बड़े हो, यूपी में जाओ तो एक खेत में धनिया है, आधे में लहसुन है, आधे में आलू है, आधे में उसका बाजरा है, तो छोटे सब कुछ है, तो क्या हुआ, आप समझ गए। अब मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, सबसे बड़ा आकार होगा। अब देखिए अब क्या है, मैं सीधे आपको ऑप्शन देता हूँ, कोशिश कीजिए आपको। पहला ऑप्शन है इसमें जैसलमेर, जैसलमेर, दूसरा है चुरू, और तीसरा है धौलपुर, और फिर है, ठीक है, ये चार ऑप्शन हमारे पास। और किसी को कुछ किया जाए इनमें से सबसे बड़ा जो आकार होगा, सबसे छोटा किसमें है। अब आप ये देख रहे हो कि जैसलमेर और भरतपुर जिला है वो मथुरा से लगा हुआ है, मथुरा तो अलग अलग नहीं है, मथुरा थाना है कि कैमरा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉर्डर रोड के भरतपुर है, मथुरा है, तो सबसे छोटा जो आकार होगा वो बीमा और सबसे बड़ा आकार होगा ना बीमा होगा, क्योंकि जैसलमेर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हम लोग कम है वेरियस कम ज़्यादा है, इसी तरह से आप ध्यान रखना है कि अभी हमने चार बातें बताई हैं। पहले हमने बताया कि भूमि जोत होता क्या है, लैंड क्या होता है, तो यानी एक पर्सन के नाम पर कितनी जमीन है, मतलब मेरे पास जो जमीन है उसका साइज क्या है मेरे नाम पे, ठीक है। और फिर है हमने कहा कि भूमि का आकार दिन ब दिन छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि बच्चे होते चले, उनमें बंटवारा होता चला जा रहा है, लेकिन संख्या बढ़ती चली जा रही है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भूमि का जोत का जो आकार है वो नागौर, उदयपुर, बीकानेर और चुरू, इनमें किसका किसमें सबसे ज्यादा बड़ा होगा, तो सीधे आप पहुंच जाओगे बीकानेर पे, क्योंकि बीकानेर एक ऐसा जिला है जो मतलब वहां पे अर्बन एरिया कम है, एग्रीकल्चर ज्यादा है, और आधा तो डेजर्ट ही है बीकानेर। तो इस तरह से समझना है कि क्यों जोत का आकार कहाँ छोटा होता है, कहाँ बड़ा होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ कुछ बातें, इतना समझ में आ गया होगा आपको। जैसे हाँ थोड़ा डेटा पे बात कर लेते हैं, अब तो क्वेश्चन तो आप निकाल लोगे। हमने पहले दिन बोला था आपको राजस्थान का मैप आपके जहन में होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा चुरू, तो चुरू पता होना चाहिए कहाँ पर है, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर। तो जैसे ही आप यूपी के टच में आओगे, हरियाणा के टच में आओगे, आप समझ जाओगे यहाँ वही प्रॉब्लम है जो यूपी में है, यहाँ वही समस्याएं हैं जो हरियाणा में है ना, तो आप समझ जाओगे क्या क्या चीजें चल रही। और आपको यही नहीं पता है कि जालौर कहाँ पे है, करौली कहाँ पर है, धौलपुर कहाँ पर, बांसवाड़ा कहाँ पर है, नागौर कहाँ पर है, बाड़मेर किधर है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हुए गलत। आपको सारे पता है, हाँ तो सारे डिस्ट्रिक्ट पता है आपको,
बस तो पता है ना, तो उसे कनेक्ट करने की कोशिश किया करो कि क्यों कैसे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम सीधे सीधे मतलब बहुत सिंपल सा एक एक फैक्ट है, जैसे मान लीजिए कि इसमें यही आ गया कि तुम्हें तो पता है कि हनुमानगढ़ है, ठीक है, हनुमानगढ़ है ना, और चुरू है, ठीक है, भरतपुर है और धौलपुर है, ठीक है, धौलपुर है। अगर मैं सिर्फ इनमें से आपसे, और ये कैसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये क्या है, हमने क्वेश्चन हमारा ये है, सबसे कम सिंचित प्रदेश, सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, मतलब मिनिमम इरिगेटेड स्टेट कौन सा है। देखो समझिए बात को, मिनिमम इरिगेटेड और मैक्सिमम इरिगेटेड, ठीक है, मैक्सिमम इरिगेटेड। अब इन जिलों में आप पहचानिए, देखो मिनिमम धौलपुर और मैक्सिमम हनुमानगढ़। हाँ बस, पहले इरिगेटेड का मतलब सुन लीजिए होता क्या है। इरिगेटेड का, सिंचित प्रदेश का मतलब ये होता है जिसमें पानी आर्टिफिशियल रूप से दिया जाता है, इसमें पानी इस मतलब जैसे बोरिंग से, पाइप से, नदी से, नहर से दिया जाता है, उसको कहते हैं सिंचित प्रदेश, सिंचित एरिया, यानी इरिगेटेड लैंड। तो ये जो धौलपुर है ये यूपी के टच में है, तो यहाँ तो बारिश होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिंचाई नहीं होती है, लेकिन अगर पूछा जाए मैक्सिमम सिंचाई कहाँ होती है, तो मैक्सिमम सिंचाई यहाँ पर होती है और मिनिमम यहाँ पर होती है। अब देखो इसमें सिर्फ आपका मैप से ही निकल आएगा, ठीक है, तो ये चीजें हैं, समझिए आप। अब देखते हैं थोड़ा सा डेटा पे आ जाते हैं। देखिए डेटा है इसमें, जो पहली बात तो है जो आकार है, जो साइज है, ठीक है, जो साइज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पहली चीज। दूसरा है जो संख्या है वो बढ़ रही है, ये तो समझ लेना हो, ये तो समझ में आ गया होगा आपके, जो संख्या 2012 में थी आज वो बढ़ गई है, जो साइज 2012 में था आज वो साइज कम हो गया, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको सभी को। सर अब देखिए यहाँ पे 2010 और 11 में, ठीक है, 2010 और 11 में जो राजस्थान का भूमि जोत आकार था, जो लैंड का साइज था, वो था 3.07 हेक्टेयर, ठीक है, एक ये एवरेज है, 3.07 हेक्टेयर, 1% के नाम पर है अभी। उसके बाद है 2015 टू 16, ठीक है, ये कितना रह गया, 2.73 हेक्टेयर। समझ रहे मेरी बात, कि यानी ये ज्यादा है और ये कम है, हो सकता है कभी पूछ ले कि अभी लास्ट जो लेटेस्ट डेटा है वो ये है, जो भूमि का जो आकार हुआ है वो ये हुआ। हम लोग ऑप्शन में तो खूब पढ़ते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड शायद, यहाँ जो भी एग्रीकल्चर है स्टार्ट यहीं से होता है, एग्रीकल्चर तो जबलपुर में दिक्कत हो नहीं रही होगी, तो 2.7 है, ये 2.7 पूछा नहीं जाएगा, है ना, ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये पूछा जाएगा ये कम हुआ है, आकार कम हुआ है, ठीक है। ये क्यों कम हुआ आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता है तो बंटवारा होता है, तो उस आकार कम हो जाता है, जितनी जमीन आपके परदादा के नाम थी उससे कम आपके दादा के नाम होगी, और जिससे जमीन आपके दादा के नाम थी उससे कम जमीन आपके पिताजी के नाम पे होगी, और जितनी जमीन आपके पिताजी के नाम पे थी उससे कम जमीन आपके नाम होगी, है ना। तो ये चीज़ें, तो ये हो गया डेटा थोड़ा सा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि राजस्थान में जो जोत है, जैसे फीमेल है, ठीक है, फीमेल जो जो है, जो लैंड है वो है 7.75 लाख, ठीक है, और जो मेल है, ये देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां पे जो मेल है वो 5.46 लाख, ये तो ये एक अलग सा है ना, आपको लगता होगा ये कंट्रोवर्सी क्यों, क्योंकि तो राजस्थान तो एक अलग चीजों के लिए जाना जाता है, घूंघट के लिए जाना जाता है, पर्दे के लिए जाना जाता है, वो अलग है ना, जौहर के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा क्या है कि जो लैंड ओनरशिप है वो फीमेल के पास जाता है,
है ना, लैंड ओनरशिप फीमेल के पास ज्यादा है। एक चीज आपको, मतलब आपने ये चीज सीरियल में भी देखी होगी, बहुत सारे सीरियल हिंदी में आते थे और स्टार प्लस पे, उसमें देखा होगा कि लोग पत्नी का भले रेस्पेक्ट नहीं करते हैं लेकिन माँ से बहुत डरते हैं। देखा है माँ तो खतरनाक होती है, दादी तो मतलब हिटलर से कम नहीं। तो बस ये है, तो जो लैंड ओनरशिप है वो मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं का वहाँ रेस्पेक्ट है, और एक स्टेज के बाद बहुत बढ़ जाता है। जब वो तीसरी स्टेज में पहुंचती है तब तो वो मालिक हैं, तो उनके सामने कोई चू नहीं कर सकता, दादी के रोग। और ये आज भी है ना, आज भी है वहाँ पर। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, कभी आपको हो सकता है कभी पूछ ले कि डेटा ही पूछ ले कि कितना है, और ये तो फिगर आउट ऐसे तो पूछ ही सकता है कि राजस्थान में महिलाओं की दूध का आकार पुरुषों की दूध से ज्यादा है, तो आप तो एक बार मतलब उसे डिसएग्री कर जाओगे, तो नहीं यार ऐसे कैसे हो सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप देखिए वेस्ट बंगाल को देखिए और आप राजस्थान को देखिए, ठीक है, और आप यूपी को देखिए, तीन स्टेट को देखिए, है ना, जिस स्टेट में गॉडेस की वर्शिप ज्यादा होती है, मतलब देवी की पूजा ज्यादा होती है, वहां पर फीमेल डोमिनेंट होता है। होती यूपी में भी है, लेकिन यूपी में राम की, शिव की, श्री कृष्ण की पूजा ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ है ना दुर्गा, जय भवानी, इधर काली, और आप इनको देख ही रहे हो, वो वेस्ट बंगाल में भी और राजस्थान में भी। तो अगर कहीं कनेक्ट करने का पॉइंट बने तो आप बना दें, इतना तो पता ही है आपको कि जितनी पूजा देवी की वेस्ट बंगाल में होती है उतनी यूपी में नहीं होती, ठीक है, मतलब उतनी नहीं होती, और जितनी राजस्थान में होती है उतनी भी यूपी में नहीं होती। इस तरह से चीजें हैं। राजस्थान में जितने भी फेमस मंदिर हैं, जैसे खाटू महाराज जी हैं, बालाजी हैं, कई सारे मंदिर जो फेमस हैं। हाँ, बहुत सारे मतलब कल्चर के लिए जाना जाता है वो। ठीक है, अब देखिए इसमें, अच्छा एक पॉइंट बताते हैं, जैसे एक एक जैसे हमारे यहाँ क्रॉप जो होती है, ठीक है, क्रॉप होती है दो होती है, खरीफ और रबी, ठीक है, रबी दो क्रॉप। एक जनरल आइडिया बताइए कि टोटल अमाउंट ऑफ रबी ज्यादा होता है या टोटल अमाउंट ऑफ खरीफ ज्यादा होता है इंडिया लेवल, बताइए, सोच के बताइए। खरीफ होता है ज्यादा, टोटल अमाउंट देख लीजिए, खरीफ होता है सर, मोटे अनाज होते हैं यहाँ पर। नहीं, हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए खाद्यान्न, हम फूड ग्रेन की बात करते हैं, टोटल फूड ग्रेन खरीफ का ज्यादा होता है कि रबी का भारत में? सर भारत में खरीफ का, खरीफ का देखिए एक चीज बताएं हम आपको, जितने भी ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, वो सारे रबी के हैं। देखो खरीफ में क्या होता है, जूट, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। शुगर केन है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। वहीं आप देखोगे खरीफ में, रबी में जाके, तो गेहूं है ना, मतलब मेन क्रॉप है नॉर्थ इंडिया की बात करें तो, ठीक है, उसके बाद जौ है। तो एक बार देख लेते हैं, एक टोटल मैं आपको बता रहा हूं कि जो खरीफ जो क्रॉप थी, ठीक है, इस बार 2019 और 20 में, डेटा थोड़ा बताना इसलिए जरूरी था कि ये जो रबी क्रॉप है ये ज्यादा होती है, ठीक है, राजस्थान में। देखिए जो ये है 110 लाख मैट्रिक टन, ठीक है, ये है, और रबी क्रॉप है 1117
लाख मीट्रिक टन, तो ये है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, इसमें जो है वृद्धि हुई है, ये क्या हुआ है, इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इसमें वृद्धि हुई है और इसमें क्या हुआ है, कमी आई है पिछले 5 सालों में। ये बात ध्यान रखना, देखो ये बहुत एकदम पॉइंट ये है कि भारत जो राजस्थान में जो क्रॉप हुई है रबी और खरीफ, जो रबी की क्रॉप है उसमें कमी आई है पिछले 5 सालों के कंपेयर में, लेकिन खरीफ में वृद्धि हुई है, खरीफ की क्रॉप में वृद्धि हुई है। और टोटल की हम बात, यहाँ जो 3 ही बातें हमने बोली हैं, पहली हमने बोला कि जो रबी है वो खरीफ से ज्यादा होती है, पहली बात है ना, जो रबी क्रॉप है वो खरीफ से ज्यादा होती है। दूसरी बात हमने बोली है, ये तो पहला पॉइंट, दूसरा हमने बोला है जो खरीफ है ना, जो खरीफ है उसमें ग्रोथ हुई है और जो रबी है उसमें कमी आई है टोटल में, बस इतनी बातें यहां पे समझनी है। ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे अभी, बता दो अभी। कंफ्यूज तो नहीं। हाँ, समझ आ रहा है ना पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, जी मतलब रवि और खरीफ में रवि ज्यादा है, ठीक है, और खरीफ कम है। उसके बाद हमने कहा इस बार खरीफ में वृद्धि हुई है लेकिन रवि में कमी आई है, बस ये। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ऐसे ही आपके एग्जाम में याद आएगा, वैसे अगर फैक्ट का बनेगा तो ये बनेगा कि रवि का जो क्रॉप है, खाद्यान्न है, वो कितना है, 117 लाख मीट्रिक टन, और जो खरीफ का क्रॉप है वो 110 लाख मीट्रिक टन। मुझे लगता है इतना इतना डेटा ज्यादा तो है नहीं, है ना, और मुझे अब कितना है, आपको याद कितना करना है, इतना बस याद करना है ना, इतना ही तो याद करना है बस, इतना नहीं याद हो पाएगा, यही तो है ना, यहाँ पर डेटा है यहाँ पर फिगर, तो ये है, ठीक है। एक है कि मुख्यमंत्री सीड स्वावलंबन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री सीड स्वावलंबन योजना। अब आप पर्पस तो समझ ही गए होंगे, मुख्यमंत्री का मतलब क्या है, ये स्टेट लेवल की बात हो रही है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। दूसरी बात है सीड का मतलब भी समझ गए होगे, है ना, सीड, और स्वावलंबन का मतलब ये एक अलग पॉइंट है, स्वावलंबन, स्वावलंबन का मतलब क्या समझते हैं आप, पहले देखो स्वावलंबन का मतलब होता है कि किसानों को सीड्स के लिए परेशान ना होना पड़े, यानी किसानों को सीड्स में मतलब इम्पावर करना। अब किसान इम्पावर कैसे हो सकते हैं, तो दो ही चीजें हैं, एक तो ये चीजें हैं कि सरकार उन्हें निश्चित समय पर पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध करा दे बिना किसी हिंड्रेंस के, पहला स्वावलंबन। दूसरा ये हो सकता है कि वो ऐसे बीज उपलब्ध कराए कि ताकि वो अगले साल या दूसरे साल भी इस्तेमाल कर सकें, जैसे हमारे यहाँ पहले होता था, पहले जो हम लोगों के यहाँ गेहूं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि खेत, मतलब हमने तो देखा है अपने यहाँ कि जो मक्के के भुट्टे थे वो लगे रहते थे पूरी साल भर, कोई छूता नहीं था उनको, और वो जब खेत में बोए जाते तभी उनको छीला जाता था, तो मतलब कहने का है घर वाला बीज ही इस्तेमाल होता था। तो सिंपल सा है कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, तो सीधा सीधा है स्वावलंबन, यानी ये क्या है, एकदम सिंपल सा है कि फार्मर को क्या करना है, ये सपोर्ट करना, फार्मर को ये सपोर्ट्स कर रहे हैं। और ये कब शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया 2017 टू 2018,
और ये अभी पूरे राज्य में नहीं शुरू किया गया, ये 3 जिलों में शुरू किया गया। ठीक है, कौन कौन सा है? कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा, ये चार, तीन राज्य 3 जिलों में शुरू किया गया, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा। और मुझे लगता है कि धौलपुर वालों को या चुरू वालों को या फिर भरतपुर वालों को या अलवर वालों को, है ना, या हनुमानगढ़ वालों को इसकी जरूरत है। तो एक चीज जान लीजिए, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां एग्रीकल्चर को लेके उतना क्रेज नहीं है, मतलब उतने लोग सेंसिटिव नहीं है। जैसे भीलवाड़ा, बांसवाड़ा है, नागौर है, उधर जालौर है और उदयपुर है, बाड़मेर, इधर एग्रीकल्चर को लेके नहीं है। सब उधर मिनरल्स ज्यादा है ना सर, इसलिए। हाँ, माउंटेन रीजन है, मिनरल्स ज्यादा है। माउंटेन रीजन भी है और दूसरा चीज ये भी है कि उनके प्लेट्यूज भी है, माउंटेन रीजन भी है और पर मिनरल्स भी ज्यादा है, मिनरल्स निकलते हैं वहां पे, इसलिए खेती नहीं होती ज्यादा एग्रीकल्चर। हाँ, उसलिए एग्रीकल्चर रहते ही नहीं। और कल्चरल कल्चरल पॉइंट व्यू से भी इसको देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए भरतपुर का आदमी है तो यूपी वालों को देखता है मक्का बोते हुए तो वो भी बो देता है ना। अलवर का आदमी देखता है हरियाणा वाला मक्का बो या चावल बो रहा है, धान बो रहा है, वो भी बो देता है। तो इधर क्या है, अलवर, भरतपुर, ये धौलपुर, धौसा, सवाई माधोपुर, ये नॉर्थ वाला एरिया, या जो हनुमानगढ़ है या श्रीगंगानगर है, भाई पंजाबियों को देख के किसको नहीं जोश आ जाता है, किसी को भी जोश आ जाता है कि यार ये देखो क्या कर रहे हैं, रात के 2 बजे भी ट्रैक्टर चला रहे हैं, हम यहाँ सो रहे हैं। तो मतलब कल्चरली वो कनेक्ट हैं लोगों के, चाहे वो हनुमानगढ़ हो या श्रीगंगानगर हो या फिर सीकर हो या चुरू हो, है ना, दौसा हो, ये सारे कल्चरली में कनेक्ट हैं, है ना। मतलब लोग जिस तरह से लोगों के, जिस तरह के लोगों के कनेक्ट में आएंगे वैसी चीजें बन जाए। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आपके लिए पूछा जा सकता है कि ये योजना इन्हीं जगह पे क्यों शुरू की गई है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर उतना मतलब नहीं करते हैं लोग, अदर सेक्टर। दूसरा ये भी है, सूरत पास में है, गुजरात पास में है, और गुजरात आप जानते हो, गुजरात ज्यादातर तो है वो सेकेंडरी, उसमें सेकेंडरी में एग्रीकल्चर को कम लोग वो देते हैं बढ़ावा, और ये रीजन है इसका। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2017-18 में शुरू की गई है और इसके लिए कम कम दामों पे, है ना, और या फिर फ्री में किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। बस क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कब शुरू की गई, दूसरा कहाँ कहाँ शुरू की गई, और तीसरा इसका पर्पस तो आपको पता ही है ना, टू सपोर्ट द फार्मर, ये है। उसके बाद है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो, हाँ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग, जीरो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखिए इसमें क्या है, अब ये जीरो बजट का कॉन्सेप्ट, ये देखो आने वाले यूपीएससी में पूछ सकता है ये कब आया भारत में। ठीक है, कब आया था मालूम है, ये बहुत नया टर्म है, है ना, 2019 और 2020 में आया, कोविड आ गया तो फिर कुछ चीजें छुप गई, सारी चीजें 2019 और 20 में आया, जीरो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि हमें जो नेचर के रिसोर्स हैं उन्हीं के माध्यम से कृषि करना है। ऐसे कोई गांव है, ठीक है, तो गांव वालों को ये बताना है कि भाई आपका जो कूड़ा है, आपका जो वेस्टेज है, वो वेस्टेज नहीं है, आप उससे नेचुरल फर्टिलाइजर बना सकते। तो उन चीजों के लिए बढ़ावा दिया गया जिसमें नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज हो सके, ठीक है, इस चीज की बात की गई थी। एक मेरे जहन में वर्ड आ रहा है, मेड होम
बाई फॉर्म, ये इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट होगा, मेड होम बाई होम, यानी घर को घर से बनाना, समझ गए इस चीज कॉन्सेप्ट को। ये बजट में नहीं, बस मेरे दिमाग में आया, मेरे तो लिख दिया मैंने, तो मतलब जो चीजें हैं है ना, यूज लोकल रिसोर्स, ये भी बात है, यूज लोकल रिसोर्स। खैर ये सब बातें हो गई 2015-2017 में आया, और ये भी भारत राजस्थान में 3 जिलों में शुरू किया गया, ठीक है, टोंक, और टोंक किया गया, दूसरा है इसमें बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और सिरोही, ठीक है, ये 3 जिलों में शुरू किया गया अभी फिलहाल। बाकी आप जान रहे हो भारत सरकार इसको क्यों शुरू करना चाह रही है, कि मेड होम बाय होम या यूज नेट यूज लोकल प्रोडक्ट्स रिसोर्स, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है इसमें, अभी दोबारा से ज्वाइन कर लेना मीटिंग आप लोग, नेक्स्ट है इसमें स्वस्थ धरा खेत हरा, तो ये है स्वस्थ धरा और खेत हरा, ठीक है, ये राजस्थान में शुरू की गई है, और ये 2019 में शुरू की गई है, और ये पूरे राजस्थान में नहीं है, ये है 6,940 गांव में, ठीक है, 40 गांव में शुरू की गई, 6,910 गांव। अब देखो स्वस्थ धरा खेत हरा ये है क्या, है ना, अब ये योजना क्या है, इसमें ये लोग क्या देने वाले हैं वो हम समझ देते हैं। लोगों को अवेयर करेंगे, अवेयर का मतलब जागरूक करेंगे, लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, लोगों को एडवाइस देंगे, ठीक है, लोगों को एडवाइस देंगे किसके बारे में, फॉर साइंटिफिक एग्रीकल्चर, ये चीज, ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है इसमें कि स्वस्थ धरा खेत हरा राजस्थान में शुरू हुई 2019 में शुरू हुई, डेट एक बार देख लेना, मुझे 19 ही पता है, वैसे पूछेगा तो बस ये पूछेगा ये है क्या, तो 6,940 गांव में शुरू की गई है, शायद ये पूरे सब, या तो ये बोल देता कि संपूर्ण राज्य में है, है ना, तो कंप्लीट स्टेट में भी नहीं है। अवेयर मतलब लोगों को जानकारी देना है, है ना, अब जैसे जानकारी किस किस की हो सकती है, जैसे उन्होंने गांव चुना, ठीक है, तो गांव में उन्होंने सर्वे किया कि देखो ये खेत है, इसमें ये किसान पिछले 3 सालों से या पिछले 5 सालों से केवल गेहूं ही बो रहा है, फसल इसने चेंज नहीं की, है ना, या फिर ये किसान जो बीज लाता है वो बीज यहाँ के क्लाइमेट अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर ये जो किसान है वो फर्टिलाइजर लगाता है वो कम लगाता है या ज्यादा लगाता है, या जिन चीजों की नीड नहीं है वो लगा देता है, तो मतलब किसान को कैसे एक फॉर साइंटिफिक एग्रीकल्चर, कैसे वैज्ञानिक कृषि की जाए, इसके लिए लोगों को अवेयर करना, एडवाइस करना, इंफॉर्मेशन देना, बस इतना सी इतनी सी इसमें बात है।
ठीक है, तो ये था, बस डेट याद रखना है, और इसमें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बीज मुफ्त दे रहे हैं या कुछ नहीं, केवल लोगों को अवेयर करेंगे, बताएंगे, और ये भी बहुत बड़ी बात होती है, मतलब इतना कम आसान नहीं, मतलब बहुत बड़ी बात है अगर आप गांव को सुधार देते हो तो। एक है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, ये तो शायद आपको पता होगा कि बहुत बहुत चर्चा में थी ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये कब शुरू की गई है, ये शुरू की गई है 2019 and 20 में। एक्चुअली पहले ये योजना शुरू की गई थी गुजरात में, अब याद आ रहा होगा आपको, पहले गुजरात में शुरू की गई थी, फिर ये राजस्थान में शुरू की गई, ठीक है। तो इसमें है क्या, इसमें जो सोलर पंप है ना, वो प्रोवाइड किए जाएंगे सब्सिडी पर, सब्सिडी बस, ठीक है। तो ये है जो सोलर आधारित जो पंप है, हेड जैसे मान लीजिए जो जिसे पानी निकलता है वो प्रोवाइड किए जाएंगे सब्सिडी पे, फ्री नहीं, ये बात ध्यान रखना, फ्री नहीं है, सब्सिडी पे, मतलब अगर वो 15,000 का है तो उसमें इसको लोग 7,000 रुपए लेंगे, ये हो सकता है ना, तो 7,000 ले रहे हैं सब्सिडी पे। तो कुसुम योजना है वो सोलर पंप से रिलेटेड है, पानी जो निकालते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये पहले गुजरात में शुरू हुई थी और फिर ये यहाँ लेके आए, शायद गुजरात में 18-19 में शुरू हो गई थी कुसुम योजना, और कुसुम है उसका कोई एक बड़ा, मतलब बड़ा सा फुल फॉर्म है कुसुम का, मतलब ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो कोई नाम रखते हैं तो देखने बड़ा बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक लगता है, लेकिन उसका जो अलग से रखते हैं। उसके बाद है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ये इम्पोर्टेंट है महात्मा, बस ये लास्ट करवा रहे हैं फिर कल करवाएंगे, ज्योतिबा फुले मंडी, तो ये काफी बड़ा है श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है, कल्याण योजना। तो पहली बात यहाँ पे दो चीजें समझना है, एक तो वर्ड आया है यहाँ पर मंडी है ना, और दूसरा आया है श्रमिक। तो ये जो योजना है ऐसे लोगों के लिए है जो श्रमिक हैं या फिर मंडी में काम करते हैं, है ना, श्रमिक लेबर, लेबर के लिए है। अब इसमें कई चीजें हो सकती हैं, मतलब श्रमिक कल्याण योजना तो श्रमिक के लिए क्या होगा, एक किस एक एक लेबर है उसके लिए हेल्थ भी जरूरी है, उसके लिए शिक्षा भी जरूरी है, उसके लिए इंश्योरेंस भी जरूरी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी योजनाएं कभी आपको दिखाई दे तो कि एक से एक कंपोनेंट नहीं हो, कई सारे कंपोनेंट होते हैं। देखिए पहली चीज है कि ये योजना शुरू की गई है 2015 में, ठीक है, ये 2015 में शुरू की गई है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि कई सारी चीजें हमने क्या बोला, एक बार समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। पहला है इसमें प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता समझ रहे होंगे आप, है ना, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता इसमें है क्या वो देख लेते हैं। इसमें ये दिया हुआ कि जो भी लेबर है, जो भी मान लीजिए महिला है, महिला अगर लेबर है तो उसको दो बच्चों पर, है ना, दो बच्चे होने तक उसको 45 days का लेबर चार्ज दिया जाएगा, लेबर चार्ज, यानी बाकी योजना है तो है, मातृत्व योजना है वो बाकी सब चल रही है,
अगर कोई महिला है और उसके पहला बच्चा है दूसरा बच्चा है तो उसको 45 डेज का पेमेंट दिया जाएगा। ये इसलिए है, ठीक है, प्रसूति सहायता। और बाकी जो 6,000 रुपए मिलते हैं है ना, 3,000 मिलते हैं, वो योजना अलग अलग आंगनबाड़ी वगैरह को वहां से है। लेकिन ये पूछेगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना में जो प्रसूति सहायता है उसमें दो बच्चों तक 45 दिन का चार दिया है। 45 का मतलब है अगर मान लीजिए एक लेबर 500 रुपीज देता है तो 500 × 45 ये उसके हो जाएंगे, तो उसको दिए जाएंगे। ये है, और ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं है ना, और कोई भी लेबर हो है ना, लेबर का मतलब उसके पास जॉब कार्ड बना हो, जो जॉब कार्ड है उसका वो बना हो, बस मनरेगा वाले सभी इसके अंदर में आ जाते हैं, मनरेगा वाले सभी आ जाते हैं। और ये मुझे लगता है कि इसे तो कोई भी लाभ ले सकता है, लेकिन कितना मिलता है वो अलग बात की है। विवाह के लिए सहायता, ठीक है, इसी में है विवाह के लिए सहायता। विवाह के लिए क्या है इसमें, देखिए अब इसमें क्या है कि विवाह के लिए दो पुत्रियों के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है उसके दो पुत्रियां हैं, ठीक है, तो उसे हर लड़की की शादी पर सरकार 50,000 रुपए देगी। जैसे यूपी में शायद 30,000 है ना, यूपी में शायद 30,000 और तो ये 50,000 दो लड़कियों दो पुत्रियों का। उसके बाद है मेधावी, बस ये है मेधावी छात्र हाँ पुरस्कार योजना, ठीक है, पुरस्कार। इसमें क्या है, इसमें बस यही है कि 60% वालों को छात्रवृत्ति दी जाएगी स्कॉलरशिप, वो किसी भी कास्ट को 60% लाभ वालों को। और उसके बाद है एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हो सकता है कभी आप लोग पितृत्व अवकाश, ये भी है इसमें साथ। पितृत्व अवकाश का मतलब है अगर जैसे मान लीजिए कोई पिता है और उसका पहला बच्चा हुआ है उसके, ठीक है, घर में, तो उस पिता को भी 15 दिन का पैसा दिया जाएगा। मतलब फीमेल को तो 45 डेज का है, और अगर पिता है उसकी जो जो वाइफ है पत्नी है वो लेबर नहीं है, काम नहीं करती है, अगर वो पिता है और ये बताता है कि हमारे बच्चा हुआ है घर में और दो बच्चों तक, ठीक है, दो बच्चों तक कितना दिया जाएगा, 15 डेज का, 15 डेज का लेबर चार्ज दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, लेबर चार्ज यानी पैसा उसको दिया जाएगा 15 डेज का। तो ये थी हमारी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। कोई कोई समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है, तो यहां से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले वो। अब उसके बाद हम लोग कल के लिए हेडिंग डाल देते हैं, कल के लिए डाल दीजिए जल संसाधन। तो क्या ना, हम लोग क्या है 2 से 3 दिन में, ठीक है, हम लोग क्या है कल भी क्या करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, ये वाला टॉपिक करेंगे, तो 3 दिन हो जाएंगे, मतलब 3 डेज हम लोग करंट अफेयर्स कर लेंगे, 3 डेज करंट अफेयर्स उसमें हो जाएगा जितना भी है, एकदम बेसिक पे आ जाएंगे। क्योंकि आज क्या है, कल भी क्लास होगी, ठीक है, संडे है तो कोई बात नहीं है, कल भी हम क्लास करेंगे। कल अगर आप लोग फ्री हो तो टाइम बढ़ा भी सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, बताएं। दिन में क्लास कर लीजिए 12 बजे के आसपास से 2-3 घंटे। कल दिन में? यस सर। दिन में 1 बजे से 2 बजे से 2 बजे कर लो, 2 से 3 कर, 2 से 4 कर लो। बताइए ज्योति जी, 2 बजे सर किसी भी टाइम रख लीजिए जो आपको सूटेबल हो।
है कल 2 बजे कर लेते हैं, ठीक है? 2 बजे भी यहाँ पे सही रहता है। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर।